उप जिला अधिकारी सगड़ी ने परा स्नातक छात्राओं को वितरित किया टैबलेट। 88 छात्राओं को केन सिंह महिला महाविद्यालय में वितरित हुआ टैबलेट। सगड़ी तहसील क्षेत्र के श्री केन सिंह महिला महाविद्यालय जयपुर में शुक्रवार को उप जिलाधिकारी सगड़ी राजीव रतन सिंह ने 88 छात्राओं को वितरित किया टैबलेट। टैबलेट पाकर छात्राओं के चेहरे पर खुशी से खिले। शुक्रवार को दिन में 11 बजे भव्य रूप से कार्यक्रम का आयोजन कर विद्यालय के सभागार में शासन द्वारा निःशुल्क टैबलेट वितरण योजना के तहत पहले चरण में परास्नातक के 88 छात्राओं को टैबलेट उप जिलाधिकारी सगड़ी राजीव रतन सिंह ने वितरित किया। कार्यक्रम का शुभारम्भ सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन व पुष्प अर्पित कर किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर सर्वेंद्र बहादुर सिंह व राज बहादुर सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उप जिलाधिकारी सगड़ी राजीव रतन सिंह व विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा नेता अरविंद जायसवाल व क्षेत्रीय महामंत्री नागेंद्र सिंह पटेल को बुके अंगवस्त्र व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान उप जिलाधिकारी सगड़ी ने अपने संबोधन में कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्र के छात्र छात्राओं को तकनीकी रूप से दक्ष करने के लिए जिससे कि सभी को समान अवसर मिल सके निःशुल्क टैबलेट वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। वहीं प्रबंधक डॉक्टर सर्वेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि शासन द्वारा निःशुल्क टैबलेट वितरण कार्यक्रम में परास्नातक के छात्राओं को टैबलेट वितरण किया गया। वही कार्यक्रम का संचालन प्रियम वादा तिवारी ने किया। छात्राओं ने विविध कार्यक्रम किया। वही टैबलेट पाकर छात्राओं के चेहरे खुशी से खिल गए। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में छात्रा व उनके अभिभावक मौजूद रहे। मुख्य रूप से चंद्रशेखर सिंह नोडल अधिकारी अजय कुमार प्राचार्य डॉक्टर गोविंद तिवारी सहित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं व छात्रा मौजूद रहे। देखिए आज तकनीकी का युग है, जैसा कि सरकार की प्राथमिकता में है कि तकनीकी रूप से बच्चे जागरूक हों, इसके लिए एक टैबलेट वितरण कार्यक्रम किया जा रहा है जिसमें आज एमए के बच्चों को दिया जा रहा है, 88 बच्चों को दिया गया है, धीरे धीरे बाकी सभी बच्चों को भी दिया जाएगा। एक तरह की परिवर्तन की बयार है, जैसे कि आज का युग टेक्नो फ्रेंडली होता जा रहा है, तो आज बच्चे टेक्नोलॉजी के प्रति यूज टू हों, कोई भी चीज़ जाने समझें, संसाधनों के अभाव में उनकी प्रतिभाएँ दबी न रह जाएँ, इसलिए सरकार की पहल है। बहुत ही अच्छा विद्यालय का भी एक अच्छा प्रयास रहा है, देखा जा रहा है कि बच्चे काफ़ी सुसंस्कृत व्यवस्थित हैं, निश्चित रूप से इसको पाकर उनका भविष्य मंगलमय और सुव्यवस्थित। आज दिनांक 13 मई 2022 को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा परास्नातक कक्षाओं में अध्ययनरत फाइनल ईयर की जो छात्राएं हैं उनको टैबलेट वितरण कार्यक्रम मिला। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी महोदय सगड़ी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र आजमगढ़ भाजपा के महामंत्री जी, मंडल अध्यक्ष जी तथा भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदाधिकारीगण सम्मिलित होकर इस कार्यक्रम को का क्रियान्वयन किए तथा 88 पात्र छात्र छात्राओं को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा फ्री टैबलेट योजना के अंतर्गत उनको टैबलेट प्रदान किया गया। यह जो योजना है इसके माध्यम से कोरोना काल खंड में जो भी छात्र छात्राएं जो प्रायः ग्रामीण अंचल की जो छात्राएं लैपटॉप टैबलेट या संसाधनों के अभाव में ऑनलाइन शिक्षा से वंचित रह जाती थी, शासन द्वारा एक ऐसी पहल की गई कि ग्रामीण अंचल में सारी छात्राओं को जब अगर किसी प्रकार की विषम परिस्थितियां हैं तो उनको तकनीकी से जोड़ा जाए ताकि वो ऑनलाइन माध्यम से भी शिक्षा को ग्रहण कर सके। उन्हीं के साथ साधन को प्रोवाइड करते हुए डीजी शक्ति एक योजना है उत्तर प्रदेश शासन की, जिसके अंतर्गत परास्नातक कक्षाओं की छात्राओं को टैबलेट का वितरण और स्नातक में अध्ययनरत छात्राओं को स्मार्टफोन का वितरण। तो प्रथम चरण में परास्नातक कक्षाओं की जो अध्ययनरत छात्राएं हैं उनको टैबलेट का वितरण किया गया।